हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों आज हम एक खिलाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका आपने थंबनेल में फोटो देखा बट उसके पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ भारत में किस जानवर को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है किस जानवर को सम्मान दिया जाता है गाय को तो दोस्तों गाय एक ऐसी जानवर है जिसको भारत में और स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड और भारत दोनों जगह बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है भारत में लोग गाय को मात बोलते हैं उसी तरह स्विट्जरलैंड में भी गाय की इज्जत है तो रोजर फेडरर खिलाड़ी के बारे में बताने वाला हूं और रोजर फेडरर जो है वो जब पहली बार टेनिस टूर्नामेंट जीते थे तो उनको उपहार में एक गाय दिया गया था रोजर फेडरर कहाँ के हैं स्विट्जरलैंड के हैं स्विट्जरलैंड के बैसल शहर से हैं बैसल शहर का नाम आपने सुना होगा आपने इकोनॉमिक्स में बैसल वन बैसल टू बैसल थ्री मानक के बारे में पढ़ा होगा जो लोन से संबंधित होता है रिस्क लोन के रिस्क से संबंधित होता है तो बैसल वन बैसल टू बैसल थ्री आपने वहाँ पढ़ा होगा तो उसी बैसल शहर से रोजर फेडरर है रोजर फेडरर ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करके लाखों नहीं करोड़ों टेनिस प्रेमियों को बहुत ही दर्द दिया है मैं भी उनमें एक हूँ मैं भी रोजर फेडरर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता उन्होंने जीती है कितनी ट्वेंटी ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आपको पता होगा इसके बारे में नहीं तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा पहले के वीडियो में मैंने इसको बताया है ग्रैंड स्लैम चार प्रतियोगिता हो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बल्डन और यूएस ओपन इसी क्रम में होता है ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विम्बल्डन और यूएस ओपन इस क्रम में होता है जनवरी से लेकर सेप्टेम्बर तक चलता है लेकिन रोजर फेडर काफ़ी दिनों से चोट से गुजर रहे हैं और उन्होंने नेक्स्ट टूर्नामेंट लावर कप जो अगले सप्ताह शुरू होने वाला है उसके बाद रिटायरमेंट की अपनी घोषणा कर दी है इकतालीस साल के हो जाएंगे कहें कि अब बस बहुत हो गया फोर्टी वन एज बहुत होता है दो सौ सैतीस सप्ताह टू थर्टी सेवन बीक तक वो नंबर वन प्लेयर रहे हैं दो सौ सैतीस सप्ताह तक नंबर वन प्लेयर रहे हैं रोजर फेडर से ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है इक्कीस ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवाक जोकोविच ने बाईस जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने तो राफेल नडाल एक नंबर पे हैं अभी ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दो नंबर पे हैं नोवाक चौके और तीसरे नंबर रोजर फेडरर जो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं दोस्तों रोजर फेडरर इन सब में महान माने जाते हैं सबके के माने जाते हैं इतना सभ्य खिलाड़ी इतना सुशील खिलाड़ी इतना सौम्य खिलाड़ी अभी तक टेनिस इतिहास में नहीं देखने को मिला है चार हजार तीन सौ करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पैसे कमाए हैं सिर्फ टेनिस से टेनिस एक बहुत ही पैसों का खेल है बहुत पैसा उसके इनाम में मिलता है एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा उन्होंने इनाम में पाया है बाकी इंडोर्समेंट मतलब प्रचार वगैरह से कमाया है उनकी वाइफ जिसकी फोटो आपने थंबनेल में देखी मीर का वो भी एक टेनिस प्लेयर है और एक बात बता दूँ इनके बारे में मज़ेदार कि ये स्विस पिता और अफ्रीकन माता की संतान है इनकी माँ अफ्रीका की है इसलिए इनको दोनों जगह की नागरिकता है स्विट्जरलैंड की भी और अफ्रीका की भी इनकी माँ भी एक टेनिस प्लेयर है और अच्छी कोच रही हैं एक बात और बता दू इस माह दो दो प्लेयर अब टेनिस से संन्यास ले चुके है एक बहुत ही जिंदा दिल जोशीली खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी पिछले माह यूएस ओपन के बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा की और उसके बाद रोजर फेडर ने भी अब अपना रैकेट टांग दिया तो है तो ऐसी लगी ये छोटी सी जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें ओके बाय